नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, मलेशिया में एक डिफेंस सर्विस एशिया एग्जीबिशन चल रहा है। तो जैसे कि हमारे तेजस को मलेशिया के एलसीए डील के लिए पिच किया जा रहा है, तो एचएल भी इस एग्जीबिशन में अपने तेजस के लिफ्ट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरियंट को शोकेस किया है, जिसमें तेजस में इंस्टॉल किया गया या किया जाएगा ऐसे एक से बढ़कर एक मिसाइल के लिस्ट को शोकेस किया गया है, जिसमें है R-73E, SRAM, Python 5, डर्बी, अस्त्र और हैमर जैसे मिसाइल्स। इसके अलावा भी तेजस में इंटीग्रेट किया गया सारे बॉम्ब्स और ASPJ को भी दिखाया गया है इस लिस्ट में। तो इसी एग्जीबिशन के दौरान मलेशिया की तरफ से अपने रिक्वायरमेंट्स को लेके एक अपडेट सामने आया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस डील का फाइनल रिपोर्ट इसी मार्च महीने में आना था, तो अब ये डिले होकर 2023 तक पहुँचा है। अब इस डील का फाइनल रिपोर्ट आएगा मार्च 2023 में, यानी इस डील के फाइनल रिपोर्ट आने में अभी भी पूरा का पूरा एक साल का वक्त लगेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक साल के डिले में तेजस को क्या क्या फायदा मिलने वाला है, एचएल तेजस में क्या कुछ अपग्रेड कर सकता है। तो मलेशिया के इस एलसीए डील की बात करें तो इसमें रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को करीब 18 यूनिट्स लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट परचेस करना है, जिस डील को मलेशिया पाम ऑयल के बदले कंप्लीट करेगा। और जो एयरक्राफ्ट फाइनलाइज होगा उसका 30% कंपोनेंट्स को मलेशिया इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करेगा, जिसमें वर्ल्ड वाइड टोटल 9 एयरक्राफ्ट इस लिस्ट में शामिल हुआ था, जिसमें था रशियन MiG-35, तेजस, टर्किश हुरजेट, साउथ कोरियन FA-50 और चाइनीज JF-17, जिसमें से पहले ही MiG-35 और JF-17 इस लिस्ट से रिजेक्टेड हो गया है। तो अब बचा है सिर्फ तेजस, FA-50 और हुरजेट। मगर हुरजेट की बात करें तो इसका फर्स्ट फ्लाइट भी अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, तो इसके आने में अभी भी बहुत देर है। तो अब इस लिस्ट में सिर्फ दो ही कंटेंडर रहता है, FA-50 और तेजस, जिसमें भी तेजस का चांस ही ज़्यादा दिख रहा है। तो अब समझ लेते हैं कि इस डील से तेजस और HL को क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस डील में HL अपने तरफ से पुश कर रहा है तेजस Mk-1A को, जो तेजस का सबसे लेटेस्ट और इम्प्रूव्ड वेरिएंट होने जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट को IAF पिछले साल ही 83 नंबर पर ऑर्डर किया है। तो इस एयरक्राफ्ट को IAF को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा 2024 में, मगर इसका फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होगा जून में। इसके बाद इसी साल तक 6 से 8 एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाएगा। तो इससे HL को ये फायदा मिलेगा कि एक फुल्ली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट को HL मलेशिया के सामने पिच कर सकेगा। दूसरी बात तो है तेजस में इंस्टॉल हुआ इजरायली कंपोनेंट्स। मलेशिया ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इजराइल का कोई भी इक्विपमेंट तेजस के साथ परचेस नहीं करना चाहता। तो जैसे कि तेजस के 3 कंपोनेंट्स इजराइल से परचेस किया जाता है, जिसमें एक है LTI-LM-2052 AESR, EL-8222 सेल प्रोडक्शन जमर और डर्बी मिसाइल। तो इस एक साल के वक्त में HL तेजस Mk-1A में EL-M-2052 रडार को रिप्लेस करके उत्तम को इंटीग्रेट कर सकता है, क्योंकि उत्तम के सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिया गया है, अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना ही बाकी है। SPJ की अगर बात करें तो इसे भी इंडिया जल्द ही DRDO का एडवांस सेल प्रोडक्शन जमर से रिप्लेस कर देगा, और डर्बी के रिप्लेसमेंट के लिए तो हमारे पास अस्त्र का ऑप्शन है ही, जिसे भी जल्द ही तेजस से टेस्ट किया जाना है। तो अगर इस एक साल के वक्त को HL सही तरीके से काम में ला सकता है तो ये HL के लिए एक काफ़ी प्लस पॉइंट निकल के सामने आएगा। और अब जरूरी है तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस का ये डील मलेशिया के साथ फाइनल हो जाएगा? कमेंट में आप अपना ओपिनियन बताइए। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।